वक्त रात के 3:15 हो रहे हैं और मैं उठे हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और ये वक्त है ताजद का, जो अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह की ये चहेती नमाज है जिसमें जो मांगोगे वो मिलेगा। तो जी रात के हो रहे हैं 3:20 और ये बादलों में कुछ आज चमक महसूस हो रही है कि यानी कि बारिश का है इम्कान, बादलों में चमक है। चलें जी चलते हैं, चल के फिर अल्लाह को राज़ी करते हैं और आपको पहले दिखाते हैं टाइम कि क्या हुआ है। ये देखें 3:25 हो रहे हैं और नमाज़ ताजुद और स्टार्ट हो गया है। तो जी 3 बजे हो जाता है, 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे जब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम इसलिए उठती हूँ कि थोड़ा ये है कि फजर तक इंसान सुकून से इबादत कर लेता है और बच्चों को भी उठा देता है। तो आज का मौसम बड़ा पुरसकून है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, रातें तो हो गई हैं ठंडी, लेकिन कभी कभी हबस हो जाता है जब बारिश रुक जाता है। इस वक्त तो बहुत अच्छा मौसम है। तो फिर चलते हैं अल्लाह को राज़ी करते हैं, और आप सब से मेरी गुजारिश है कि आप सब नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको याद रखें, उसको राज़ी करने की सोचें, क्योंकि जब राज़ी है तो सब राज़ी हैं, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। तो फिर चलते हैं, चल के नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को भी उठाते हैं और फिर मिलेंगे आपसे फजर में। फजर की हो गई है अज़ान, और फजर की अज़ान हुए हुए कोई 15 से 20 मिनट हो गए, और बारिश जो है बहुत तेज़ हो रही है इस वक्त, लाइट भी नहीं है। ये देखें बारिश कितनी तेज़ हो रही है, ये देखें बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बादलों की आवाज़ आपको आ रही होगी, और बच्चों को मैंने उठाया है नमाज के लिए। तो बच्चे पढ़े इतने नमाज, हमारा तो केस भी सही नहीं है, बिजली चली जाएगी, देखना अभी थोड़ी देर में बच्चे पहले पढ़े नमाज, चलते हैं अंदर। तो बच्चे उठ गए हैं और इस वक्त पढ़ रहे हैं नमाज फजर। तो ये नमाज फजर अदा करें इतनी देर में, और अल्लाह करे बस लाइट आ जाए। तो बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अगर बारिश रुकेगी तो बच्चे फिर मदरसे जाएंगे, क्योंकि आज की इनकी मदरसे की छुट्टी नहीं होती और मार्च की है स्कूल की छुट्टी है। तो फिर इतने ही नमाज फजर अदा करें, मास गया है वज़ू करने, और फिर मिलेंगे आपसे सुबह बच्चों के स्कूल जाने पर। तो बच्चे उठ गए हैं सोकर और आज मदरसे नहीं गए, फजर की नमाज़ पढ़ के कुरान मजीद भी आज नहीं पढ़ा गया क्योंकि लाइट नहीं थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। लाइट जिस टाइम मैंने आपको दिखाया था उससे सिर्फ 5 मिनट रहे हैं और हमारा ये बल्ब जो है UPS का बंद हो गया, पूरे घर में हो गया था अंधेरा। तो कुरान मजीद पढ़ने का भी मौका नहीं मिला बारिश की वजह से, और बच्चों की हो गई है आज छुट्टी इसलिए कि अभी भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम सोकर उठे हैं और मैंने करना है बाहर का सहन साफ, जिस दिन बारिश हो तो सहन बहुत गंदा हो जाता है, ये देख। तो मैंने पहले सारा सहन नीट क्लीन करना है, आटा भी गूंदा हुआ नहीं था क्योंकि आटा था नहीं माँ से, अभी मैंने आटा मंगाया है और वो सारा आटा गूंद के मैंने रख दिया है। तो आटा मेरा गूंद गया है, और पहले हमने करना है सबसे पहला काम ये, यहाँ से किचन साफ़ करते हैं, इधर से सहन साफ़ करते हैं, सहन साफ़ करने के बाद फिर करेंगे नाश्ता। तो बच्चों से कहते हैं आप दोनों मिलके रूम क्लीन करो, ठीक है? बच्चे इतने रूम क्लीन करते हैं और मैं जाके करती हूँ सहन की सारा सफाई। सहन की सफाई करके हटते हैं तो फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी और मिलेंगे आपसे नाश्ते की तैयारी। तो मेरा घर का सारा हो गया है काम, रूम शूम मैंने क्लीन कर दिया है, सहन भी सारा धुल गया, किचन भी साफ़ हो गया है। ये देखें किचन साफ़ होने के बाद मैंने नाश्ता बना के किचन भी साफ़ कर दिया दोबारा से, ये देखें।
किचन में कपड़ा मार रही थी, जोहर की हो गई है अजान, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से किचन भी एक बार और साफ़ कर दें ताकि नीट क्लीन रहे शाम तक। तो ये वाला चूल्हा बंद कर देते हैं, नाश्ता बना के बच्चों को बिठा दिया है। यहाँ बन रही है चाय, इसका भी चूल्हा पहले बंद करते हैं चूल्हा और चाय करते हैं कपों। ये देखिए जी, चाय कप्स में कर दी है और किचन मेरा बिल्कुल अब नीट क्लीन पड़ा है क्योंकि मेरे सारे काम घर के हो गए। अब मैं दिखाती हूँ आपको रूम, कि मेरा रूम भी नीट क्लीन हो गया है। सुबह जिस तरह खलारा पड़ा था तो बच्चों ने रूम सब क्लीन किया, मैंने बाहर से सहन साफ़ किया, इतनी देर में नाश्ता बनाया और इस वक्त कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं अंडे, सालन सुलन कुछ था नहीं इसलिए मैंने तीनों के लिए अंडे मंगा दिए कि ये अंडे खा लेंगी, और चाय और पराठा मैंने खाने हैं चाय के साथ रोटी, क्योंकि मैं अभी भी मिर्च मसाले कुछ भी नहीं खा सकती और मैं मीठी चीज़ें खा खा के थक गई हूँ रोटी के साथ। तो इसलिए अब नाश्ता करें और मिलेंगे आपसे नाश्ते के बाद, और नमाज ज़ोहर भी हो अदा करनी। नाश्ता हमने कर लिया है, नाश्ता करके हो गए हैं फारिग, और जिस टाइम मैं नाश्ता बना रही थी हो रही थी अजान ज़ोहर, तो मैंने उठाने हैं बर्तन, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं नमाज ज़ोहर, इतने ये नमाज ज़ोहर अदा करते हैं, और मैं जाती हूँ ये बर्तन शर्तन धोती हूँ, बर्तन शर्तन धो के फिर मैंने करनी है नमाज ज़ोहर की तैयारी। तो चलते हैं ये बर्तन उठाए, तो सारे बर्तन उठा के मैं ले आई हूँ और बर्तन धोते हैं, इससे पहले व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माई फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखे। हमने नाश्ता नुश्ता करके आज काफ़ी देर में हूँ उठे हैं, तो नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करने के बाद बच्चों ने पढ़ ली है नमाज ज़ोहर, इन्होंने जाना है मदरसे। मारिच किधर गया? इतना पानी सड़कों पे इकट्ठा हुआ हुआ है और वो देखो, आज हम काफ़ी लेट उठे और नाश्ता भी काफ़ी लेट किया, तो घर के काम तो सारे हो गए हैं। अब धोना है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बर्तन, और बर्तन धोने के बाद नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। नमाज ज़ोहर के बाद देखते हैं कि क्या पकाने वाला है फिर, तो कुछ पकाने का सोचते हैं। क्या पकाएं बच्चों आज, कुछ बता दो। चलो मेरे बच्चों को तो बिरयानी, बिरयानी के लिए इतने चावल महंगे और महीने का है एंड, आई समझ में? बिरयानी का नाम ना लेना, उसके आगे दाल सब्ज़ी जो मर्ज़ी बताओ वो पकाएंगे। दाल सब्ज़ी वाली बात है, दाल सब्ज़ी बताना। चावल तो वही आ गए ना, चावल बनाने तो बिरयानी में बना ले, सालन पड़ा है। मोहम्मद मारिच किधर गया? मोहम्मद मारिच आपकी आइस में इन्फेक्शन नहीं गया, वो आ गया। मोहम्मद मारिच आपकी आइस में इन्फेक्शन हुआ हुआ, नहीं जाना। ये देखे मोहम्मद मारिच कैसे रो रहा है बाबा के साथ जाने के लिए, और सड़कों पे पानी हुआ हुआ इकट्ठा इतना ज़्यादा, कोई फ़ायदा है? मोटरसाइकिल वैसे ही ठीक नहीं है, उसका खचाड़ा तो हुई भी, उसका हाल कोई नहीं है। मोहम्मद मरीज को समझाया करें कि हर किसी के साथ नहीं जाते, और आइस में इन्फेक्शन हुआ हुआ ये सूरज और ज़्यादा सताएगा। तो जी चलते हैं फिर, इतने मोहम्मद मरीज जब खामोश होगा दूसरे गेम, लाहौरी मुंडे जो हमारा चैनल है उसके चैनल पर जो है दूसरा गेम बनाना है कोई। आज कौन सा गेम खेलना है हमने? तो आप हमारे उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो इस चैनल पर नए आए हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब करके ऑल करना है, जो आपको हमारी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलते हैं, काम शाम करते हैं, किचन में चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैंने बर्तन शर्तन धो लिए और सिंक भी साफ़ कर दिया है, और एक बार फिर मैंने रूम को दोबारा से क्लीन शिन करके बैठी हुई थी, तो मारिच साहब आज चले गए माज और माफिस के साथ मदरसे। तो कारी साहब जो है नाराज़ होते हैं क्योंकि बच्चों की होती है पढ़ाई ख़राब, उनका नाराज़ होना बिल्कुल ठीक है। तो मैंने पकाने के लिए वैसे ही लेने जाना था, आधा एक घंटा होने वाला है, उन्हें गए हुए 2 बजे गए थे, 2:45 हो गए, तो मैंने कहा पकाने के लिए हांडी के जो लेने जाना था, तो चलते हैं फिर मारिच को भी साथ साथ ले लेंगे घर से निकले,
और पकाने का भी साथ साथ लेकर आए। तो जी चलते हैं फिर, मालिक को पकड़े मदरसे से और फिर चलते हैं मार्केट। घर का लॉक तो मैंने लगा दिया है, अब दरवाजे तक पहुंच गए और देखते हैं लॉक ओपन है। हाँ जी ओपन है। फिर मस्जिद पहुँच, माई साहब आ गए, इनको ले लिया है मस्जिद से। चलाओ चलें, मार्केट से कुछ पकाने के लिए लेते हैं फिर घर चलते हैं। सब्जी लेने तो आ गए हैं, भिंडी को कोई कम नहीं करना है, 160 140 किलो कर दो, साफ पक्की ना हो बेटे देख के। हैं भिंडी ले ली मारिच की फरमाइश पे, सब्जी भी ले ली और मारिच साहब ने अपनी जो चीज़ें होती हैं ना इसकी अपनी जेब की वो ज़रूर लेना होता है, वो भी ले ली है मारिच ने। तो फिर चलते हैं घर और घर पे मिलेंगे फिर। तो हम पहुंच गए हैं इस वक्त घर, ओए मेरा पर्स नहीं समझ रहा। और आज मारिच साहब पकाने के लिए भिंडी लाएँ, उसको काटें पकाएँ, फिर घर पहुंचने से पहले आज ग्राउंड फ्लोर में वीडियो को एंड कर दें। तो फिर वीडियो को करते हैं यहीं आज। तो आज की वीडियो करते हैं हम यहीं खत्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये देखें मारिच की आँख में कितना इन्फेक्शन है। चले ऊपर चलें।